नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। पटना के लोगों के लिए 21 दिसंबर को मौज मस्ती के लिए पटना के विभिन्न होटलों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। 31st नाइट को लेकर कई होटलों में चैरिटी प्रोग्राम रखा गया है। साथ ही कई होटल में जो नामी गिरामी हस्तियां हैं वो भी शिरकत करने वाले हैं और 31st नाइट को काफी ज्यादा और भी मजेदार बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि कई होटलों में डांस प्रोग्राम और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जिस तरीके से लोग अलग अलग होटलों में जाएंगे और अलग अलग जगहों पर जाकर अपना न्यू ईयर और 31st नाइट सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से भी तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो भी कर लिए गए हैं। जिलाधिकारी कुमार रवि ने पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा किया है और तमाम जो तैयारियां सुरक्षा को लेकर के की गई है उसके बारे में उन्होंने विस्तार रूप से बताया है। क्या कुछ जिलाधिकारी ने कहा है। पटना पैलेस राजधानी के हट पर स्थित है, ये आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से जानकारी है। तो राजधानी की जब धड़कन पर स्थित है तो कल के जो हम लोग प्रोग्राम 31st नाइट जो करा रहे हैं वो नो डाउट कल राजधानी वासियों के धड़कन को बीट को तो हम लोग जरूर बढ़ाने का काम करेंगे। क्या कुछ रहेंगे? हम लोग जो कलकत्ता का बहुत ही नेम फेमस म्यूजिकल ग्रुप आ रही है और म्यूजिकल टीम के साथ डांस ग्रुप भी आ रही है और कम से कम 100 से ऊपर हम लोग की लाजवाब व्यंजन का स्वाद आप लोग लीजिए। बिहारी भी रहेगा व्यंजन, अपना पंजाबी व्यंजन रहेगा और बहुत सारे जो हमारे व्यंजन हैं और जो इसका लुत्फ लोग लिए वैरायटी शो है। और मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि कल आप लोग आइए और हमारे कार्यक्रम में शिरकत कीजिए और उसके लिए मैं आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।